हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केतन झरवड़े और आप देख रहे हैं केतन अनबॉक्सिंग जंक्शन चैनल। इस नए और फ्रेश वीडियो में फिर से मैं आपके लाया हूँ एक नया प्रोडक्ट। तो दोस्तों, ये रहा हमारा नया प्रोडक्ट जो कि है अमेजन बेसिक्स का नया प्रोडक्ट। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे और करते हैं इस नए प्रोडक्ट को अनबॉक्स। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा प्रोडक्ट का बॉक्स और ये है ये दोस्तों अमेजन का अमेजन बेसिक्स का अम्ब्रेला, जिसे आप देख सकते हैं। और ये डिब्बा देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये डिब्बा हो चुका है खाली। इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी आई थी, बहुत ही हार्ड बॉक्स है। दोस्तों, ये रहा हमारा अम्ब्रेला, इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद हमें मिलता है ये जो कि अमेजन बेसिस का अम्ब्रेला, और साथ में हमें इसके साथ मिलता है ये जो कि सिलिका जेल और ये इसकी पन्नी। तो दोस्तों, इसके साथ मिलता है अमेजन बेसिक्स का अम्ब्रेला जो कि आया है एक पाउच में। ये इसका कवर या फिर आप पाउच है। और ये रहा हमारा अम्ब्रेला जो कि है अमेजन बेसिक्स का। दोस्तों, अगर देखी जाए तो इसकी बिल्ट क्वालिटी वाकई ही बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके साथ हमें ये मिला है एक कैरी करने के लिए हैंडल नीचे, ये इसका पकड़ने का हिस्सा जिसमें दिया हमें बटन। तो दोस्तों, इस अम्ब्रेला की खास बात यह है कि ये जो बटन दी गई है इसे आप ऑटोमेटिक ओपन कर सकते हो अम्ब्रेला पर, बस आपको इसको प्रेस करना है, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। और दूसरी अच्छी बात दोस्तों इस अम्ब्रेला की ये है कि ये जो अम्ब्रेला है इसके, ये है अमेजन का अम्ब्रेला विद विंड वेंट, मतलब कि इसके ऊपर दो लेयर है कैनोपी की। तो जब बहुत ही हवा चलती है तो दो लेयर के गैप में से हवा पास हो जाती है, तो उसके कारण ये जो अम्ब्रेला है तेज हवाओं में उड़ता नहीं है और आराम से इसकी दो लेयर कैनोपी होने के कारण जो हवा है वो बीच में से निकल जाती है। तो दोस्तों, देखा जाए तो इसका साइज है वो काफ़ी छोटा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका साइज है छोटा। और साथ में हमें इसके साथ मिलता है पाउच जो कि आप देख चुके हैं। इसको आप इसको एक बार प्रेस कीजिए इस बटन को तो ये ओपन हो जाएगा। मैं इसको प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं ओपन हो जाता है, जैसे आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। और जैसे आप बटन को प्रेस करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, और इसको फिर आपको लॉन्ग ऐसे हार्ड पुश करना है ताकि ये क्लोज हो जाए। और ये रहा हमारा क्लोज हो गया। दोस्तों, ये जो अम्ब्रेला है ये है वाटर रेसिस्टेंट भी, जैसे कि देख सकते हैं मैं यहाँ से डाल रहा हूँ पानी। तो ये वाटर रेसिस्टेंट है, आप देख सकते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स इसके ऊपर जमी हुई है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो अम्ब्रेला है इसमें हमें दो कैनोपी की लेयर दी है। पहली वाली ये है नीचे कैनोपी की लेयर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा अम्ब्रेला पूरा, और ये रहे हमारी कैनोपी की फर्स्ट लेयर। और ये हमें जो कैनोपी की सेकेंड लेयर दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये और ये हमें कैनोपी की सेकेंड लेयर दी है। तो दोस्तों, इस अम्ब्रेला की खास बात यह है कि जब भी तेज़ हवाएं चलेगी तो जो हवा है, जो हवा का प्रेशर है, जो हवा है वो इस कैनोपी के बीच में से निकल जाएगी। तो उससे क्या होगा कि ये जो आपका अम्ब्रेला है ये तेज़ हवाओं में ऐसे अपसाइड डाउन नहीं होगा, ये उड़ेगा नहीं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो आपको आया है पसंद तो इस वीडियो को जरूर कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जो कि है केतन अनबॉक्सिंग जंक्शन चैनल, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको इन फ्यूचर में भी मिल सके।